हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन आई एम दानिश बीटेक सिविल एनबीट आईआईटी खडकपुर और आज हमारी वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज संडे है तो आज स्पेशल संडे है जो वीडियो हमारी है वो है होम इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर दैट इज वेरी एक्साइटिंग वीडियो और ये साइट भी है अशोकरत्न रायपुर में ही एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो में कि प्लीज वीडियो पूरा देखिए एक ऐसी टिप शेयर करेंगे एक लाइफ है अगर आपका घर पुराना है या नया है तो उसे बहुत ब्यूटीफुल कैसे बनाना है और बहुत कम कॉस्ट में बहुत कम प्राइस में जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और चलिए वीडियो में आगे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड हमारे अपार्टमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट का और जैसे कि हम देख सकते हैं ये कितना अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा कॉन्सेप्ट मॉडर्न स्टाइल पे बेस्ड है जो फर्नीचर सोफा यूनिट्स हैं वो मॉडर्न है और उसमें एक रेकलाइनर भी आप देख सकते हैं टी टेबल है मार्बल टॉप के साथ मार्बल कॉन्सेप्ट है पूरा इसमें एंड लुक एट दिस सो ब्यूटिफुल जो हमारा टी वी यूनिट है वो मॉडर्न टी वी यूनिट डिजाइन है सेम टी वी के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो टी टेबल का है और सेम मार्बल शीट यूज हुई है कॉस्ट कटिंग के लिए लाइट वॉल हैं जिसमें रूम ब्राइट लगेगा लाइट इफेक्ट बहुत एनहेंस होके आएगा इसमें एंड ये जो कर्टन्स हैं वो डुअल शेड कर्टन्स हैं वेरी डिजाइनर प्रीमियम चॉइस एंड दिस इज अवर शैंडर जिसे हम झूमर भी कहते हैं दिस इज सो ब्यूटिफुल सर्कुलर राउंड पैटर्न में है ये जो वॉल्स हम देख रहे हैं वो हाइलाइटिंग वॉल्स हैं बेसिकली जो वॉल पेपर्स हैं वो डार्क शेड पे यूज हुए हैं एक लिविंग रूम में डुअल टोन दो वॉल्स को हमने हाईलाइट किया हुआ है एंड दिस इज अवर टेक्स्र्ड सोफा फैब्रिक एंड जो सोफा फैब्रिक्स हैं टेक्स्र्ड मटेरियल के साथ कुशन जो है वो फ्लोरल पैटर्न पे हैं एंड दिस इज मिंट ग्रीन कलर

तो चलते हैं वीडियो के बिहाइंड द सीन्स में जहां हम देखेंगे कि बजट क्या है इस इंटीरियर का कैसे 2.5 से 3 लाख के बीच ये इतना ब्यूटीफुल रूम इंटीरियर होम इंटीरियर कंप्लीट किया गया है जिसमें आपको वॉलपेपर्स दिख रहे हैं मॉडर्न फर्नीचर्स दिख रहे हैं मॉडर्न टीवी यूनिट दिख रहा है एंड मॉडर्न टेबल यूनिट दिख रहा है जो बहुत ब्यूटिफुल है मार्बल शीट के साथ तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या चीजें हैं सारी डिटेल में कि ब्यूटीफुल इंटीरियर डिज़ाइनिंग देखने से पहले सबसे ज़्यादा आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इंप्रेसिव इंटीरियर कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सारे फ्रेंड्स फैमिली में ताकि रायपुर में उन्हें पता चले कि हमने जो ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट किया उसमें मॉडर्न सोफा यूनिट है डिज़ाइनर टीवी यूनिट है स्टाइलिश मार्बल टेबल है वॉल पेपर हैं डिज़ाइनर डुअल शो हैं, फैंसी आइटम नंबर प्लेट ये सारा कुछ और... वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल मैं सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ थैंक यू करना चाहता हूँ कि हमारी जो सब्सक्राइबरशिप है वो 121 सब्सक्राइबर की हो गई है एंड मोर देन 10,000 व्यूज वी आर गेटिंग फ्राम रायपुर एंड विद इन द कंट्री इन इवन ओवरसीज इंटरनेशनल व्यूअर्स थैंक यू सो मच टू ऑल एंड प्लीज ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिएगा रायपुर में आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन फेब्रिकेशन ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट्स हैं वो इस चैनल में देखने को मिलेंगे तो प्लीज़ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड एज अ फैमिली जैसे कि हम देख सकते हैं कि ड्रॉ स्टोरेज टीवी कैबिनेट के लिए जो भैया बना रहे हैं उसमें जो लेवल ले रहे हैं वो लेवल टेप से लिया जाता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हिंजे हम फिटिंग्स लगाएंगे वो ब्रांडेड की फिटिंग्स हैं ये तो कल मुझे एक फ्रेंड मिला था यही रायपुर का उसका नाम जैक है तो उसकी एक प्रॉब्लम है चलिए सुनते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है रायपुर में रह के छत्तीसगढ़ में रह के मुझे रायपुर में करवाना है इंटीरियर डिजाइनिंग अपने घर के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए तो मुझे नहीं मिल रहा है कोई अच्छा इंजीनियर या डिजाइनर जो कम से कम रेट में प्रॉब्लम तो आपकी या किसी और की ये प्रॉब्लम हो सकती है रायपुर में या छत्तीसगढ़ में कहीं भी आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी वर्किंग करवानी है जैसे हो सकता है टू ड्राइंग थ्री डी ड्रॉइंग थ्री डी व्यूज वॉक थ्रू वीडियोज एनिमेटेड प्लान एंड प्लानिंग एंड डिजाइनिंग सारी चीजें और इससे रिलेटेड साइट एग्जीक्यूशन भी और जितने भी इंटीरियर डिजाइनिंग में प्रोसेस इंक्लूड होते हैं सारा कुछ ए टू जेड अगर आपको कुछ भी करवाना है तो हमको भी पता है और आपको भी पता है कि आपको सिर्फ नीचे गए दिए गए नंबर पे कॉल करना है और रायपुर में आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं जो पंडरी में ही है बहुत नियर है रहे, सबके लिए रीचेबल प्लेस है तो अगर आपको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए इंप्रेसिव इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन को बिकॉज वी प्रोमिस वी गिव प्रीमियम क्वालिटी इन द लोएस्ट प्राइस फॉर ऑल तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे बिहाइंड द सीन्स में जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी वर्किंग है वो कैसे की जा रही है और उसमें जो भी प्रोसेस इंक्लूडिंग है उसमें जैसे कि आप विजिबल है स्क्रीन पर सोफ़ा मेकिंग प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है इसमें जो फॉम्स हैं वो ब्रांडेड फॉर्म्स हैं और ये फॉर्म्स एडहसिव के साथ पेस्ट किए जा रहे हैं जो भी इसकी डिटेलिंग है अगर आप इससे रिलेटेड कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या चाहते हैं कोई टॉपिक ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है सोफा का आप सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ आप जो सोफा देख रहे हैं जो विजिबल स्क्रीन पर ये पुराना सोफा है जिसे रीस्ट्रक्चर किया गया है उसमें न्यू फॉर्म्स लगाए गए हैं आने वाले टाइम में इसे फैब्रिक लगा के जाएंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वीडियो के देखा का वॉक अराउंड और ये हो रहे हैं हमारे वॉल पेस्टिंग जब भी आप कभी वॉल लगवा रहे हैं वॉल पे तो ध्यान देंगे कि ये जो एडेसिव से लगे हमेशा थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉर द पेशेंस आप वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक वो है हमारे होम इंटीरियर में जो कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम वॉल में उसमें सबसे पहले जो यूज होती है हमारे घर की सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइटिंग पार्ट होता है लिविंग रूम होता है तो लिविंग रूम में अगर आपके पास फोर वॉल्स हैं अप्रोक्स तो यही सारे डिजाइंस प्लानिंग पैटर्न होते हैं तो फोर वॉल्स में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आप एक या दो वन और टू सिर्फ वॉल यूज करें जो आप हाईलाइट करें आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं टेक्सचर्ड पेंट से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं वॉलपेपर से लूअर्स से पैनलिंग से और बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं और जो भी मटेरियल्स या चीजों के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको मालूम है आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे मिल जाएगी और जो नेक्स्ट रूम है वो है बेडरूम जो हमारा बेडरूम होता है उसमें क्या है कि बेडरूम एक तो कोजी स्पेस है कंफर्टिंग है और हमको बहुत रिलैक्स करना है और जो मूड सेटअप है वो रिलैक्सिंग होना चाहिए तो फोर वॉल्स में से सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे सिर्फ एक ही वॉल को हाईलाइट करेंगे और आप जिस भी मटेरियल से हाईलाइट करना चाहते हैं आप बिल्कुल उसे चॉइस कर सकते हैं और जो भी प्लानिंग करते हैं डिजाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन से इसके फर्दर अगर कोई डाउट्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंटीरियर 2022, सो लेट्स स्टे सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगर आप वही व्यूअर हैं जो रिनोवेशन पे पुराने फर्नीचर्स को मॉडिफाई करके यूज करने में उसके फैब्रिक सोफा अगर स्ट्रक्चर है तो सोफे का डिजाइन चेंज करके स्ट्रक्चर चेंज करके उसपे नया कपड़ा फैब्रिक लगा के कुछ जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो हमारी नेक्स्ट वीडियो वही प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाली है एंड इट इज वेरी अमेजिंग वीडियो सो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल